नमस्कार, मैं डिम्पी आपका स्वागत करती हूँ। राइट टू नो के इस भाग में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची से की। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका मात्र एक लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे। इस सोच के तहत देश भर में गरीबों का 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। अब किसी भी गरीब परिवार को बीमारी के इलाज पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करना होगा। आप सोच रहे होंगे इसका लाभ किसे मिलेगा। जिन परिवारों का नाम SECC सूची में दर्ज है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। SECC का पूरा नाम होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, मतलब सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना जो 2011 में हुई थी। SECC सूची के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड़ 3 लाख परिवार और शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ 33 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। इस योजना के तहत 1396 बीमारियों का इलाज होगा। अगर पहले से भी कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज किया जाना है। इस योजना का लाभ नवजात बच्चे को भी मिल सकता है। कुछ बीमारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जैसे जन्मजात, बाह्य रोग, कॉस्मेटिक सर्जरी, टीकाकरण और प्रजनन संबंधित उपचार। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, साथ ही उम्र की भी कोई बाध्यता नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाना है। इसका इलाज भारत के किसी भी राज्य में हो सकता है। प्रत्येक रजिस्टर्ड अस्पताल के बाहर आयुष्मान भारत का लोगो लगा होगा। इस योजना के तहत मरीज को 1 रुपए भी खर्च नहीं करना होगा। मरीज जब अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसकी दवाई से लेकर खाने तक का पैसा भी अस्पताल देगी। आइए जानते हैं कि इस योजना के लाभों इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। मरीज अपना इलाज करवाने के लिए रजिस्टर अस्पताल में बैठा आरोग्य मित्र के पास जाता है और अपना आधार कार्ड लेकर आरोग्य मित्र को देता है। आरोग्य मित्र SECC सूची और आधार कार्ड पे सत्यापन करता है और एक गोल्डन कार्ड जनरेट करता है जिसके आधार पर मरीज का इलाज किया जाना होता है। इस योजना की एक बड़ी ही खास बात है कि यह कैशलेस और पेपरलेस है। कैशलेस मतलब कि मरीज को 1 भी रुपए देना नहीं होगा और पेपरलेस मतलब कि भर्ती होने के बाद इन्हें कोई भी आवेदन फॉर्म भरना नहीं होगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पहले वर्ष में 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। इस योजना के तहत पहले ही 100 दिन में 7 लाख गरीब लोगों का इलाज किया गया है। साथ ही वैश्विक पहचान की बात करें तो ब्रिटेन की सबसे पुरानी मैगजीन स्पेक्टेटर ने अपनी 18 सकारात्मक खबरों में इसे पहला स्थान दिया। इस योजना से संबंधित कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप www.pmjay.gov.in पर देख सकते हैं। आप इस योजना के लाभुक हैं या नहीं तो उसके लिए एलिजिबल सेक्शन में जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं। अगर इस योजना से संबंधित कोई भी शिकायत हो या फिर जानकारी लेनी हो तो आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर है 1-4555-14555। इस पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले भाग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नो योर राइट बाय राइट टू नो।